बाकी यहाँ पे लाइटें शाइटें भी ऑन कर दी उन्होंने। यार अब लग रहा है ना शादी वाला घर, जब हम आए थे तब मैंने कहा है, मुझे लग रहा था इन्होंने लाइटें लगाई नहीं, लेकिन असल शादी वाला घर पता कब लगेगा, जब रात को आके ढोल की हो। लेवल दुबा, अब ये रोड है, वॉशरूम में जाके बैठो। अब्दुरे माँ तुम कहाँ गायब थे बताना जरा, फहद के साथ था, इधर आता अपने दोस्तों के साथ फिरने चला जाता, और कोई काम नहीं तुझे। ये मांगने वाले कहाँ से आ गए हैं, ये क्या हुआ है, ये प्रोटेक्टर है या मोबाइल स्क्रीन है, वाकई नहीं झूठ बोल रहा, दिखा जरा, प्रोटेक्टर लगा ही नहीं हुआ, प्रोटेक्टर लगा ही नहीं हुआ। अब्दुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा नदीम व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। आज नाश्ते में है जी नान चने और साथ में हलवा पूरी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया, बस जल्दी से रेडी होके जाते हैं जी शादी वाले घर, यानी अपनी कजन की तरफ, क्योंकि आज है जी मेहंदी, आज मेहंदी का इवेंट है। सो अभी रेडी होके वहां पर जाएंगे, मेहंदी के लिए रेडी होके नहीं जाना, बल्कि हम लोग वैसे ही रेडी होके जाएंगे, सिंपल नॉर्मल सा रेडी होके जाएंगे, वहां पर जाके हम होंगे मेहंदी के इवेंट के लिए रेडी। सो अभी जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी मैं ये वाला आउटफिट वेयर करने लगी हूँ, और जो मेरा मेहंदी का आउटफिट है ना, वो मैं आप लोगों को वहां जाकर ही दिखाऊंगी जी। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब बस मैंने एक काम करना है कि जो अपने इयररिंग्स है ना, ये सारे रिमूव कर देने हैं। एमन मैडम इधर आना जरा, ये रिमूव कर दो। पागल है क्या, पागल है, कांटे क्यों उतारने हैं, तो इसी के अंदर मैंने दूसरे कांटे पहनी जाने हैं। मैं भी तो इस तरह ही कर रही हूँ ना, पागल तो नहीं तू, नहीं मैं पागल तो नहीं, तू पागल ही है, इधर आ, रिमूव करिए सारे, कह रही है जो सुराग है इसके अंदर ही दोबारा से पहन लेना, वो सारे कांटे मिक्स 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 हो जाएंगे, रिमूव कर इन्हें, जब कांटे भरे होंगे तो ये कौन सा नजर आए, तो इनको तो रिमूव कर दे, मैं नहीं चाह रही के बस बाल पकड़ो, पर तमीज से कर, चल रिमूव कर दे सारे। सो मैंने सारे इयररिंग्स अपने रिमूव कर दिए, और यहाँ पे मेरा भाई हादी भी रेडी हो गया। वाजी वाह वाजी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, कैसे हो, ठीक हो, हाँ जी क्या कर रहे हो, बैठना है दोबारा से बैठना है, कभी खड़े होना है कभी बैठना है, हाँ जी क्या हुआ है, बाहर क्या है, क्या है बाहर, बाहर क्यों है, बाहर जिन बाबा है, बाहर जिन बाबा है, इधर क्यूटू है कि क्यूटू क्यूटू क्यूटू, इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आज आज एक पुमा लिपस्टिक लग जाएगी, सारी सारी लिपस्टिक लग जाएगी मेरी, लिपस्टिक लग गई, लिपस्टिक लग गई, मजा आ रहा, मजा आया, मजा आया, नहीं नहीं सिंगर नहीं आगे करनी, ऐसे नहीं करते, ठीक है। बाकी हम लोग रेडी हो गए हैं, नीचे जाके आप लोगों को अपनी फुल लुक भी दिखाते हैं, और फिर जाना भी है। अभी बाकी सामान जो हम लोगों ने पैक किया था वो गाड़ी में भी रखना है, और हादी को भी गाड़ी में रख देंगे, है हादी, हादी को गाड़ी में बंद कर दे, हादी को ना हम लोग डिक्की में बंद कर देंगे, कैशा 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 कैशा, क्या हुआ है हादी, हादी क्या हुआ है, क्या देख रहे हो उधर, क्या हुआ है, कैमरा है ये कैमरा है, कुछ भी नहीं है, बस बस इतना सा बैठना था, चलो बाय 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 बाय, ये शार्प कर लो लिपिक, बाय 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 कर दो, बाय 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 करो, बाय 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 करो, हादी बाय बाय करो, बाय 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 नहीं कह रहा। अब्दुर्रहमान तुम यहाँ बाहर मौसम के मजे ना लो, अंदर आओ, बैग नीचे रखने हैं, चलो ये तो उठाओ ना, ये छोटा वाला और ये तुम पकड़ लो, चलो जी लेके इसको नीचे, बाय बाय हादी बाय बाय, चलो तुम भी ये बैग ले जाओ नीचे, उठाओ उठाओ ले जाओ, मैं ये वाला लेके आती हूँ, राम राम से, राम राम से, उठाने आके फिर उठाओ, भाई मुझसे नहीं उठाया जाएगा, उठा लेते हैं, छोटा ही है, चलो 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 जी। ये आ गए हैं जी हमारे सारे बैग्स, अब इनको बाहर गाड़ी में रखो। ये है जी मेरा आज का आउटफिट, आज का नहीं बस थोड़ी देर के लिए मैंने पहना, उसके बाद असल जो मेरा आउटफिट है मेहंदी का ड्रेस, वो तो बाद में ही पहनेंगे ना, वहाँ पर जाके रेडी शेडी हो के, चलो जी अब रखो इसको डिक्की में, चलो 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 जी,
अब्दुलरहमान सारे बैग एडजस्ट करने हैं तुमने, ठीक है ना? आते ना करना। गुड हो गया, गुड हो गया। चलो जी ये वाला रखो, पकड़ो ये वाला, उठा के। चलो जी ये छोटे वाला ले आओ, हादी का भी लेके आओ अभी। ये लो पकड़ो अब्दुलरहमान, रखो रखो, आ जाएंगे पूरे सारे। तो फिर अब बेटा क्या करना है, करो एडजस्ट करो बेटा जी। किस तरह रखने अब्दुलरहमान? उस तरह ही रखो। उस तरह किस तरह? पिछली बार भी उस तरह ही रखा था जब वो बैग भाई की शादी थी। पता नहीं क्या बंदी है। चलो अब्दुलरहमान क्या किया, नीचे क्यों फेंक दिया है? चलो जी अब ये हम लोग ना इधर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरह ये पूरे आएंगे। बाकी मेरी ये चेक करो, नेल पॉलिश उतर गई है। खैर कोई नहीं, बस ये पूरे आ जाएं अब। हाँ इसको आगे करो ना, आगे करो, आगे कर दे। हाँ अब यहाँ पे आएगा, रख। एमन सही कह रही थी, कोई सुनता ही नहीं एमन की। एमन को तुम लोगों ने क्या समझाओ है, हा? क्या समझाओ है इसको, पागल 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 समझना नहीं है, पागल है। मजाक कर रही हूँ, टेंशन ना ले, वो रख दे पीछे। अब्दुलरहमान गुस्सा नहीं करने का, ठीक है? ये देखो तुमने ये सारा बैग यहाँ से गंदा कर दिया नीचे फेंक के, तमीज तो है नहीं तुम्हें। अब इसको पीछे रखो, बस पूरा आ जाए जल्दी। अब्दुलरहमान तूने बैग खोल दिया। आहिस्ता अब्दुलरहमान, हौसला हौसला। हादी का बैग भी वहां पर फिक्स कर दिया, बस ये वाला बैग आ जाए जल्दी। ये क्या है, शुक्र है आ गया। फाइनली जी हमने सारे बैग रख दिए डिक्की में, अब बंद करो। चलो जी सारे बैग रख दिए अपनी डिक्की में, अब चलते हैं जी। पापा भी बैठ चुके हैं, मम्मा भी बैठ चुकी हैं, हादी भी आगे बैठ गए, अमन मैडम तुम भी बैठो, मैं भी बैठ चुकी हूँ, और अब्दुलरहमान तुम भी आके बैठ जाओ। हुरिया हुरिया को वहां से लेना एकेडमी से। वाह उसको एकेडमी भेजा हुआ आज भी। मम्मा बेटा उसके टेस्ट चल रहे हैं, वो जमा करवाने हैं मंडे को। अच्छा जी, तो फिर अब घर पे उसने क्या करना था, पैकिंग तो हमने सारी करने थी। सही, तो आपने कहा मैं उसे एकेडमी भेज देती वो जाके पढ़े। वो अपना काम क्लियर कर ले बेटा। चलो सही है, फिर अब हुरिया को लेते हैं एकेडमी से, फिर निकलते हैं। आ जाओ हुरिया मैडम, आ जाओ बैठो। बैग अब इसका किधर रखना है? गाड़ी में पीछे रख दो। चलो इधर रख दो, मन यहाँ पे पीछे रख दो। जी हुरिया मैडम आपको पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा। शादी वाले दिन आप पढ़ने गई थी? पढ़ना पढ़ने की नहीं ना, कम पढ़ते हैं लोग शादी वाले दिन, ये मैं कह रही हूँ। अपनी बात करो उसकी छोड़ दो। ओह माय गॉड, भाई कैमरा बंद करो। शादी वाले घर हम लोग आ चुके हैं, और जिसकी शादी है ना वो इनकी बहन है। बहन मजे की बात बताओ, भी जब हमें आए ना भाई लेने के लिए, हमने पहचाने नहीं, हमने कहा हाय दुछेर भाई खा खा कितने मोटे हो गए। पहले ही मोटे थे और मोटे हो गए, बाइक पे ऐसा लग रहा था खोता बिठाया हुआ। सही हेल्दी वाला आयशा आयशा, तुम फिजिक पे ऐसे लग रही थे जैसे पीछे बांदरी बैठी हुई है। ये वाला मजा का था, आयशा वाला मजे का था। क्या हमारा था थोड़ा मजाक चलता रहता तो इसको इग्नोर करिएगा, वो अलग बात है, ऐसे गाड़ी होता। अच्छा तुम क्यों इतनी जल्दी रेडी हो गई हो? तैयार होना यार, पार्लर नहीं जा सकते, सैलून नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम लोग लेट आए हैं, 7 बजे हमने हॉल में जाना है। हाँ जी, और टाइम देख लो क्या हो गया, नजर ही नहीं आ रहा मुझे तो। 5:30 हो गए, ऐसे ही चली जाओगी तो तुम बहुत ही बदसूरत लगोगी, ऐसे ना आ जाना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। शादी पे जा रही हूँ, प्लेटें धोने नहीं जा रही। ये अच्छा था। खैर फिर मेकअप किससे करवाना है? मैं बाप से करवाऊंगी, तुम देख ले। मैंने तो करवाना है फुप्पो से। फुप्पो किधर गई है? इसका मेकअप मैं कर देता हूँ। नहीं आप रहने दे, आयशा का मेकअप रहने दे। हाँ जी फुप्पो आपने मेरा मेकअप करना है। चीज बताऊं? हाँ जी हाँ जी, इधर आ। ये देख इनका बेटा। यार वो अपनी मामा पे गया ना। इस्माइल नहीं जाना, इस्माइल नहीं जाना, आज नहीं वो आएगा। खैर पुप्पो आज आप मेरा मेकअप करें। चलो चले करें, स्टार्ट करते हैं भाई अपना मेकअप जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं और रेडी होते हैं। जी तो मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है, और सबसे पहले मुझे क्या लगाया जा रहा है? प्राइमर।
प्राइमर जो स्किन को सॉफ्ट करेगा। A few minutes later. जी तो फाइनली मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, फूफो ने मेरा मेकअप भी कर दिया, ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया और यहाँ पर जी आयशा मैडम भी रेडी शेडी हो गई है, ये चेक करो जी। बाकी मेरी फुल लुक ना तुमने उधर जाके दिखानी है, ठीक है, जब हम हॉल में पहुँच जाएंगे। बाकी यहाँ पे लाइटें शाइटें भी ऑन कर दी उन्होंने, यार अब लग रहा है ना शादी वाला घर आए थे तब मैंने कहा है, मुझे लग रहा था इन्होंने लाइटें लगाई नहीं, लेकिन असल शादी वाला घर पता कब लगेगा, जब रात को आके ढोल की लेवल मेहंदी पे ही पता चलता है। वो अलग बात है कि हम थोड़े थोड़े गाने गा के रुक जाते हैं, होता होता कुछ नहीं होता, लेकिन मजा बहुत आता है। हमें पंजाबी गाने नहीं ना आते इसी वजह से, बस हम एक दो लाइन जो पहली पहली दो दो है ना वो जो सुनी सुनी आती आती है वो भी बस गा देते हैं, बाद में वो कहेंगे गाओ नहीं आंदा सानू, फिर हम गालियां मारते रहते हैं। ये होता है कि जब हम सारी गैदरिंग हमारी इकट्ठी हो जाए ना, हम सारे गैदरिंग में तो मजा बहुत आता है। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कोई मसला आप ये हमारा शोर सुन के आया उधर से और कह रहा है बंदे नु ना रोला कट पाना चाहिए, नहीं रखना स्पीकर अपना काम, कोई मसला नहीं है। अब अंदर है नहीं बुलाना, क्या कर लेगा नहीं बुलाना, चल निकल फिर निकल बाहर बाहर। यहाँ पर जी उड़िया भी रेडी हो चुकी है और साथ में एमन मैडम भी रेडी हो चुकी है, मैं तो यार रेडी रेडी हूँ। पापा जी आपने कब तक रेडी होना है? अभी मम्मा तेरी लेकर नहीं आई सूट यार, अभी मम्मा खुद रेडी हो रही हैं। अभी खुद रेडी हो रही है, मेरा सूट उसने इसलिए कर दिया। हाँ जी आपका सूट प्रेस तो कर दिया लेकिन अभी वो रेडी हो रही है खुद। पापा ने एज यूजुअल 5 मिनट में रेडी हो जाना, बस चेंज ही करना है। ये हादी क्या कर रहा है, सो गए? चलो अच्छी बात है, मम्मा खुद ही रेडी हो जाएंगी, चलो सही है। अब ये सोया हुआ है, मम्मा तब तक रेडी हो जाएंगी, फिर मम्मा जब खुद रेडी हो जाएंगी तब इसको रेडी कर देंगी और तब तक ये उठ भी जाएगा। चले ठीक है, फिर जब 5 मिनट रह जाएंगे ना निकलने में मैं आपको बता दूंगी, आप तब रेडी हो जाना। हुड़िया ने इतना मेकअप किया, इतना मेकअप, तो वाह नहीं लिपस्टिक उसने कम लगाई है आज, वरना तो इतनी ज्यादा लिपस्टिक लगाती है, यूं डार्क कलर की फुल। एमन को नहीं प्यारी लग रही, सबसे पहले रेडी हो गई है, लेकिन एमन कह रही है हुड़िया प्यारी नहीं लग रही। हुड़िया तुम्हें तुम अच्छी लग रही हो, हुड़िया को तो अच्छी लगेगी। सबको अपना बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह मुझे, मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ, सब कहते हैं यार मैं प्यारी हूँ, लेकिन सारे ही प्यारे हैं यार, सारे ही प्यारे हैं। मम्मा जी कितना टाइम है, जल्दी करे पापा को कपड़े दे, पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी वो कह रहे हैं आपकी मम्मा कपड़े मुझे निकाल के देंगी तो मैं पहनूंगा ना, जाए फिर जाके पापा को भी कपड़े दे और हादी को भी रेडी कर दे। ओके और हम लोग पहनने लगे हैं जी गजरे, फूफो जी मुझे भी दे दे, ये वाला नहीं कोई अच्छा सा निकालते हैं। ये हम लोगों ने गजरे पहनते पहनते नीचे कितने फूल भी खेर दिए आयशा मैडम, थोड़ी शर्म करनी चाहिए, सारे फूल हम लोगों ने जाया किए हैं, फूल नहीं हम लोगों ने गजरा ही, ये चेक करो इससे सारे फूल उतरे हैं। ये मैं पहनने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे पूरा नहीं आया, सो आधे फूल इधर से उतर गए। खैर कोई मसला नहीं, अब मैंने ये वाले पहने हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जी मैरिज हॉल, दुबावी रोड है, वॉशरूम में जाके बैठो, जाओ जाओ वॉशरूम में जाके बैठो। जाहिल कह दिया पागल, उसे आगे से कह जाहिल औरत, मैं औरत थोड़ी ना हूँ, मैं तो लड़की हूँ, औरत तो ये ये। गाड़ी में हम लोग आके बैठ चुके हैं, अब मैं आप लोगों को वहाँ जाकर मिलती हूँ। आते साथ ही भाई हम लोगों ने ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लिया और अब हम लोगों ने यहाँ पे बैठ जाना है और यहाँ से हिलना नहीं है। मेहंदी की रस्म होने लगी और सबने अपनी अपनी प्लेट पकड़ ली है, तुमने फूल वाली पकड़ी है, रुबाब ने भी मेहंदी पकड़ ली, आयशा मैडम, आयशा मेहंदी, ये चेक करो बहुत तेज हो तुम, बहुत तेज हो। यहाँ पर जी मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली है, ये मांगने वाले कहाँ से आ गए हैं? मेहंदी की रस्म से हम लोग फ्री हो चुके हैं और हमारी फूफो भी आ गई है, इतनी लेट, आपको पता बड़े लोग लेट जाते हैं। ओह माय गॉड, बड़े लोग, इसी वजह से आप लास्ट टाइम भी शादी पे नहीं आई थी। हाँ मेरा प्रोटोकॉल बहुत था ना इसलिए सही है भाई, फंक्शन खराब हो? नहीं नहीं हमारे फंक्शन नहीं खराब होते, आपकी वजह से हमारे फंक्शन में और ज्यादा मजा आता है। बाकी माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, क्या बात है जी, और आपकी बहू
अलीशा मैडम हमारी भाभी वो तो है ही प्यारी ना। अब्दुर्रहमान तुम कहाँ गायब थे बताना जरा। फहद के साथ था, इधर आते अपने दोस्तों के साथ फिरने चला जाता, और कोई काम नहीं तुझे। नहीं बाकी चेक कराओ भाजी, वाह क्या बात है, मेरा भाई आज प्यारा लग रहा है, तारीफ तो करनी पड़ेगी। इस तरह के मैंने आप लोगों को कहा था कि पापा ने 5 मिनट में रेडी हो गए ना, और पापा रेडी भी होके हॉल में भी आ गए हैं। बाकी ये मैंने कहा हम भी लेट हो, हाँ हमेशा हम लड़के ही लेट होंगे, मेकअप करने में यार टाइम लगता है। बाकी ये है जी मम्मा और पापा की आज की फुल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों भाई। आज मेरे दोनों भाइयों ने ट्विनिंग की है, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत 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 ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। फाइनली जी रोटी खुल गई है, और आयशा मैडम को कोई जगह नहीं मिल रही बैठने के लिए। नानो नानो जगह नहीं मिल रही उसे बैठने के लिए। ओए ओए कुर्सी मंगाई है कुर्सी, वाह जी वाह क्या बात है। प्रोटोकॉल चेक करो जी प्रोटोकॉल भाई, आज मेरी और पप्पा की ट्रेनिंग हो रही है, दोनों ने मैचिंग पहना थी और पप्पा ने मुझे आज रेडी भी किया, तो बस कल तो हम लोग सैलून से रेडी होंगे, लेकिन आज भी हम लोग सैलून से रेडी हुए, इतने बड़े सैलून से। ये भी बताओ लाइनर किसने लगाया, लाइनर किसने लगाया, लाइनर किसका पड़ गया भाई, लाइनर उभाव ने लगाया मुझे। खाना वगैरह हम लोग खा के फारिग हुए हैं, तो सारी लाइटें बंद हो गया, उन्होंने कहा है कि खाना खा लिया अब निकलो। बाप ने आज फर्स्ट टाइम हील पहन ही ली है, तो ये बस हाय अम्मी मुझे दर्द हो रही है, लाओ मैं खोलूं। ए खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, खोल रही हूँ नहीं मैं तो, खुल जा सिम सिम, वाह क्या बात है भाई, खोलते हैं ताकि इसकी जान छूटे। चलो जी ये लो, सुकून हो गया, सुकून हो गया। आइंदा के बाद तुमने हील नहीं पहननी यार, फैशन के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज। ओह फैशन फैशन बेटा, फैशन के लिए बाप कर रही है, वरना बाप कभी भी नहीं हील पहने। मैं अपने मतलब मैं अपने अपने साथ ज्यादा नहीं करती कभी, बट कोई नहीं। और आज तुम पहन भी नहीं रही थी, वो तो इसकी मम्मा ने कहा बेटा तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारा कद बहुत छोटा है। मैं अपने लिए स्पेशल इसके साथ लाल कलर का सुर्ख कलर का खुशा लेकर आई थी, मेरी मम्मी कहती है कि तुमने टीडी टीडी लाइन है तुम हील ही पहनो। टिड्डी और टिड्डे लोगों के चक्करों में लगे हो, अपने भाई को भी संभाल लो। ओह तुम क्या हो, खुद भी तुम व्लॉग ही कर रहे हो। मैं व्लॉग नहीं कर रहा, तुम्हारा भाई वहाँ पे घूम रहा है, किसी को पता ही नहीं। तो यार अच्छी बात है ना, उसे घूमने तो क्या हो गया, घूम ही नहीं सकता। किसके पास आ गया, वो तो देख के डर गया, ये कौन है, ये मैं किसके पास आ गया हूँ। बाकी तुम लोगों का भरा भाई नहीं आया, वाह शादी वाले दिन सोया हुआ है, क्या बात है। बाकी तुमने ब्रियाज मैचिंग की है अपनी बीवी के साथ है। दी पाया नहीं मेहंदी दिया वाला आज पा। अच्छा बस मैचिंग के लिए पहना था है, यार मैचिंग हो रही है, अच्छी वाली मैचिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है ना ये वाला। हाँ हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। बस नखरे का रहा था, ताकि नखरे भी तो दिखाने ना बीवी को। अच्छा मैं तुम्हारे साथ मैचिंग नहीं कर सकता, यही बात है ना। हाँ जी भाई वैसे करना चाहिए इस तरह ना, लगता है कि प्यार बढ़ता है। मैं क्यों ऐसी करूँ, आप क्यों भी नहीं नहीं आप भी माशाल्लाह जो सीधा सीधा बोल रहा है। हाँ जी प्यार भाई मैं सीधा ही बोल दूँ, वो तुम्हारी नकले उतार रहा है, वो कह रहा है तुम यूँ करती हो। आपकी बीवी करती है ये हैवी था, हैवी था, हैवी था, आपकी बीवी करती है, आपकी बीवी, आपकी बीवी। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर वापस। क्या हुआ है, चीज दिखाऊं, कौन सी चीज दिखानी है, ये क्या हुआ है, ये प्रोटेक्टर है या मोबाइल स्क्रीन है, स्क्रीन है। वाकई नहीं झूठ बोल रहा, दिखा जरा, प्रोटेक्टर लगा ही नहीं हुआ, प्रोटेक्टर लगा ही नहीं हुआ। अब्दुर्रहमान पागल है तू, किस तरह टूटा है वो, मैं जेब में डालने लगा था, जेब में डाली। क्या बात है बेटा, अब तुम्हारी जो पापा से क्लास लगेगी ना, अब मैं आपको देने लगी एक सरप्राइज, ये चेक करो, टूट गया मोबाइल अब्दुर्रहमान का मोबाइल, प्रोटेक्टर लगा ही नहीं हुआ था। हाँ जी फोन नीचे गिराया और टूट गया, अब फोन के बगैर ही रहोगे तुम। नहीं फोन आएगा ले लोगे, ओ फोन ले आ ले लोगे, ओ अब्दुर्रहमान दोबारा बोलना, फोन टूट गया ना तो इसे जल्दी मोबाइल ले आया बाजी का। हाँ ये तुम्हारी ना गलत फहमी है। हाँ जी 300 वाला पान कोल खवावांगा, 300 रुपए का, 300 वाला ही होएगा। अच्छा अच्छा
ते बड़ी सोनी प्रवास करेंगे। बाई एयर लंदन, नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बाई एयर पुत्र लंदन चलेगी। ठीक हो गया, मैं अमेरिका जाऊंगी, लंदन नहीं, मैं अमेरिका भी आ जाएगा। हाँ दोबारा 300 मैं कह रही हूँ, मैं पूरा ना वर्ल्ड टूर कर आऊंगी। पूरे मुल्क का टूर करें। मेरा नंबर नोट करो जी, 0380-9211-8400। अगर किसी ने लंदन जाना, यूरोप जाना, कनाडा जाना, किसी भी मुल्क जाना है, 9211-8400 नंबर है। फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं, बस जल्दी से चेंज वगैरह करते हैं और फ्रेश होके आप लोगों से मिलते हैं। ढोलकी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आयशा रुबाब तो दोनों नीचे चलेगी, अब मैं भी नीचे जाके आप लोगों से मिलती हूँ। हो चुके हैं और हमें भूख इतनी लग रही थी तो हम लोगों ने भाई शवारमे मंगवा लिए। ये शादी का खाना खाने के बाद भी दोबारा से बाहर से मंगवा के खाने का ना जो मजा है ना, मैं कह रही हूँ उसकी चासी अपनी है, चासी अपनी है। तो खैर अभी ये खाते पीते, और एक और बात, अब्दुलरहमान ने अभी तक मम्मा और पापा दोनों में से किसी को भी नहीं बताया कि मेरा मोबाइल टूट गया है, क्योंकि इसे पता है अगर बताया तो इसे डांट पड़ेगी, इसी वजह से ये बता नहीं रहा। कोई मसला नहीं, मैं बताऊंगी सुबह उठ के पापा को कि अब्दुलरहमान ने अपना मोबाइल तोड़ दिया, उसके बाद जो होगा ना आय हाय 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 चस आएगी। खैर इसी के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग को एंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज के ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर तो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।